हेलो, हाय, माई सेल्फ अभिषेक दुबे, वेलकम टू जीएस क्लब। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम प्रस्तावित है, उसी क्रम में ये उत्तराखंड जीके की वन लाइनर सीरीज है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इसमें 1200 से 1500 क्वेश्चन का संकलन रहेगा, ठीक है, और ये 5th वीडियो है इन द सीरीज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ आप यही करके जाते हैं तो भी 25 से 30 क्वेश्चन जो उत्तराखंड के आते हैं, ठीक है, वो आप आराम से करके जाएंगे, लेकिन कम से कम उसके लिए आपको 2 से 3 बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा। टोटल 8 से 10 घंटे का पूरा होगा ये सेशन, ठीक है, सारी वीडियोज आप मिला के देखते हैं। तो पहले एक बार 8 घंटे आप देते हैं, उसके बाद 2x करके देख लीजिए 2 बार, तो 16 घंटे आप देके 27 नंबर, 27 से 30 नंबर अर्जित कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, और यही आपका डिफाइन करेगा कि आप प्री क्लियर कर रहे हैं कि नहीं। 27 28 नंबर बहुत होते हैं। आइए देखते हैं, तो ऐसे कौन से लीडर थे जिन्होंने पार्लियामेंट में पहली बार प्रपोजल दिया सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड के लिए। तो ये हैं प्रताप सिंह नेगी। प्रताप सिंह नेगी ने पहली बार जो है पार्लियामेंट में सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड के लिए प्रपोजल टेबल किया, ठीक है। सबसे पहले जो है सेपरेट स्टेट का डिमांड किसने की थी, तो ये डिमांड जी है श्रीदेव सुमन ने की थी, श्रीदेव सुमन, ठीक है। श्रीदेव सुमन आप जानते ही हैं कि 83 दिन का फास्ट करके करते समय इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने ही प्रजामंडल की स्थापना की थी। प्रजामंडल की स्थापना कब की थी, 1938 में, ठीक है, कहाँ से, दिल्ली से। 1938 में ही एक काम और हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जेएल नेहरू के, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उत्तराखंड में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ था, कहाँ पे, श्रीनगर में, श्रीनगर में, ठीक है। और यहीं पे पहली बार सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड की डिमांड को माना गया था और नेहरू जी ने भी एक्सेप्ट किया था, ठीक है। ये देखिए, इन विच ईयर डिड जवाहरलाल नेहरू एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ ऑटोनोमस स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड बेस्ड ऑन इट्स जियोग्राफिकल पिक्यूलरिटीज, ठीक है। तो 1938 में हुआ था, यही स्पेशल सेशन कांग्रेस का यहाँ पे हुआ था। राम शंकर कौशिक, ठीक है, देखिए कौशिक कमेटी जिसको हम फेमसली कहते हैं, राम शंकर कौशिक कमेटी वॉज फॉर्म टू स्टडी प्रपोजल ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो इस जो है सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड के लिए जो प्रपोजल दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमेटी फॉर्म की थी, ठीक है, कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उस पर आप अपनी राय दें। तो इन्होंने हाँ कहा था, ठीक है, और इन्होंने प्रपोज भी की थी कैपिटल गैरसैंण, ठीक है, कैपिटल गैरसैंण होनी चाहिए, किसने, राम शंकर कौशिक कमेटी ने, ठीक है। तो शिवालिक रेंज नियर हरिद्वार इज नोन एज, तो हरिद्वार के पास जो शिवालिक रेंज है वहाँ उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो नेहन कहते हैं, नेहन कहते हैं, याद रखिएगा। रिवर मंदाकिनी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो मंदाकिनी रिवर जो है, ये देखिए ये आपका उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से मंदाकिनी निकलती है और आके किस में मिलती है, मंदाकिनी अलकनंदा में, और ये जगह पे कौन सा प्रयाग बनता है वो कमेंट में बताइए। तो ये रुद्रप्रयाग में केदारनाथ टेम्पल है, यहाँ पे यहीं पे आसपास चोराबारी ग्लेशियर के आसपास से निकलती है, ठीक है, या तो केदारनाथ रेंज आ जाए, चोराबारी ग्लेशियर आ जाए, तो आप दोनों सही मारेंगे, ठीक है। तो मंदाकिनी रिवर कहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी जगह बनती है, तो रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है, क्योंकि रुद्रप्रयाग से आती है, तो इस प्रयाग का नाम भी रुद्रप्रयाग है, ठीक है। चोराबारी ग्लेशियर 14 किलोमीटर लॉन्ग था लेकिन अब नहीं है, चोराबारी ग्लेशियर खत्म हो चुका है, इसमें पूरा मलबा भर गया था, कब, जो 2013 की त्रासदी हुई थी केदारनाथ वाली, तब, ठीक है। तो अगर ऐसा आ गया तो चोराबारी लेक जो ग्लेशियर है अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, लेक नहीं एग्जिस्ट करती, ग्लेशियर तो है, सॉरी ग्लेशियर है, लेक, चोराबारी लेक के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, चोराबारी लेक में पूरा मलबा भर चुका है, ठीक है। अपर गंगा कनाल ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो हरिद्वार से होती है, ठीक है, अपर, और शारदा कनाल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो बनबसा से होती है, बनबसा कहाँ पड़ता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, टनकपुर में बराज भी बना है, वो भी ध्यान दीजिएगा। केम्प्टी फॉल कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये टेहरी गढ़वाल में लोकेटेड है, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि केम्प्टी फॉल मसूरी से आगे चल के पड़ता है, तो मसूरी तो देहरादून में पड़ता है, लेकिन केम्प्टी फॉल जो है वो टेहरी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हो गया शारदा कनाल, हो गया केम्प्टी फॉल, हो गया काली रिवर सेपरेट्स द उत्तराखंड फ्रॉम, तो काली रिवर बेसिकली ये है आपका उत्तराखंड, यहाँ से निकलती है, कहाँ से, काला पानी से, लिपू लेक पास भी यहीं पे है, लिपू लेक पास, यहाँ से काली रिवर निकलती है, ऐसे बाउंड्री बनाते हुए उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, तो इधर नेपाल है, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में बाउंड्री बनाती है, और ये बाउंड्री डिसाइड कब हुई थी, 1816 की जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ संगोली, उसके तहत ये जो है काली रिवर को बाउंड्री डिसाइड किया गया था, और अभी जो डिस्प्यूट है वो इस रिवर को ही लेके है, काली रिवर को लेके, क्योंकि ये जो बाउंड्री इस तरह से डिसाइड हुई थी कि ये उत्तराखंड है आपका, ये जो है काला पानी है, ठीक है, ये लिपुलेख है,
तो यहाँ से एक जो है निकलती है कालापानी रिवर, ठीक है, कालापानी रिवर, और यहाँ से एक रिवर निकलती है कोई, उसका नाम अभी हमें ध्यान में नहीं आ रहा, लिम्पिया धुरा पास है यहाँ पे, यहाँ से एक रिवर निकलती है, यहाँ से ये दोनों मिलके जो है काली रिवर बनाती हैं, ठीक है। तो इस ट्रीटी में लिखा था, जो ट्रीटी ऑफ सिंगोली है, कि काली रिवर बाउंड्री होगी। तो जो नेपाल वाले हैं वो इसको, इस वाली धारा को काली रिवर मानते हैं, और इंडिया वाले इस धारा को, तो ये बोलते हैं कि जो काला पानी वाली टेरिटरी है नेपाल वाले, ये हमारा है, क्लेम करते हैं, ठीक है। यही भी बात चल रहा है, ठीक। ट्रीटी कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ सिंगोली कब हुई थी? 4 मार्च 1816, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, काली रिवर सेपरेट्स उत्तराखंड फ्रॉम नेपाल, ठीक है, वहीं टॉस रिवर सेपरेट्स उत्तराखंड फ्रॉम तो हिमाचल प्रदेश, तो यही है। तो यहाँ से जो है आपका कौन सा, यमुनोत्री ग्लेशियर है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर के आसपास से ही यहाँ से टोंस निकलती है, ऐसे देहरादून से होते हुए जाती है, और यहाँ से यमुना भी निकलती है, यमुना, ठीक है। तो टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना की, ठीक। और जो आसान रिवर है वो किसकी सहायक नदी है, ये बताइए कमेंट में, यमुना की है कि टोंस की है। आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड का एकमात्र जो है रामसर साइट है, जो कि उत्तराखंड में है, 2020 में डिक्लेयर किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्लैट वैली प्लेन्स बिटवीन मिडल एंड शिवालिक हिमालयाज आर कॉल्ड दून्स। तो बेसिकली दून कौन होते हैं? दून और दुआर, जो दो वैलीज के बीच में जो फ्लैट एरियाज होती है, वैली वाली एरिया होती है दो पहाड़ों के बीच में, ढेर सारा प्लेन की जैसा, उनको दून कहते हैं। वही आप आसाम वाले रीजन में चले जाएंगे जब नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको दुआर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दून कहते हैं, वहाँ दुआर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन, तो ग्रेटर हिमालयाज में, आपको डिस्ट्रिक्ट तो पता है सबको कि हाँ चमोली में है वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। कौन सी हिमालय में है? तो ग्रेटर हिमालय में है, और उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है कौन सा? वैली ऑफ फ्लावर। और बिगेस्ट कौन सा है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तरकाशी में जो पड़ता है, ये बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड है। वैली ऑफ फ्लावर जो है वो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है, ये दोनों जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। पहले सिर्फ ये वाला एरिया डिक्लेयर किया था, नंदा देवी वाला, बाद में इसको भी सम्मिलित कर लिया गया, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यूनेस्को के MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम के तहत अंदर आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेचुरल नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक। तो ये हमने देख लिया। विच रेंज इज कॉल्ड पामीर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के पामीर को किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर दुधा तोली रेंज को कहा जाता है, पामीर ऑफ उत्तराखंड। दुधा तोली से कौन सी नदियां निकलती हैं तो बताइए ये कमेंट में हमें, ठीक है। एक तो रामगंगा निकलती है, ये ध्यान रखिएगा, रामगंगा ईस्ट की वेस्ट, ये बताइए, ठीक है। और कौन सी? नायर रिवर निकलती है, नायर, ठीक है, नायर रिवर निकलती है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। ट्रिब्यूटरी किसकी? अलकनंदा की कि भागीरथी की, ये कमेंट में बताइए, ठीक है, नायर रिवर। चलिए, नायर ईस्ट वेस्ट दोनों है, बाद में दोनों मिलके कौन सी रिवर में मिलती हैं, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, तो ये जो है मिलम ग्लेशियर लिखा हुआ है, मिलम ग्लेशियर, लेकिन ये गलत है, जो है आपका कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर जो है, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड है, गंगोत्री ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लल्पा पास कनेक्ट्स विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो चंपावत और पिथौरागढ़ को कनेक्ट करता है लल्पा पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिपुलेख पास कनेक्ट करता है तिब्बत और पिथौरागढ़ को, अभी बताया था ये जो है यहाँ पे लिपुलेख पाथ है, ठीक है, और ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है बेसिकली, ये यहाँ पे पड़ता है लिपुलेख पास, यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी चालू होती है, ठीक है। यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है, ये लिपुलेख पास को पार करके जाया जाता है। पिथौरागढ़ में ही आपका पड़ता है लिम्पिया धुरा पास और लिपुलेख पास, तो किसको किसको अलग करता है ये लिपुलेख पास? तिब्बत, इधर वाला तिब्बत का रीजन है, इधर इंडिया का रीजन है, या पिथौरागढ़ का कह सकते हैं। थांगला पास कहाँ है? ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे और तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में पड़ता है, ठीक है। नीति पास, तो नीति पास यहाँ है चमोली में, और माना पास भी चमोली में है, ठीक है, तिब्बत और इसके। बरहोती पास, ये डिस्प्यूटेड पास है, चमोली और तिब्बत के ही बीच में पड़ता है, यहीं पे बरहोती पास भी है। तो तीन पास हैं चमोली में, बरहोती, माना और नीति, माना एंड नीति पास कहाँ पे? चमोली में। पिथौरागढ़ में कौन से हैं? तो पिथौरागढ़ में दो पासेज हैं इम्पॉर्टेंट, एक तो लिपुलेख है, लिपुलेख ध्यान रखिए, और दूसरा लिम्पिया धुरा है, लिम्पिया धुरा पास। उत्तरकाशी में कौन सा है? उत्तरकाशी में कौन सा इंपॉर्टेंट पास है? तो तांगला पास है, तांगला पास, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ये जो पांच हैं, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आता है।
द डिस्प्यूटेड बरहोती फॉल्स इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो जैसा बताया था बरहोती पास। क्लाइमेटिक वेरिएशन इन उत्तराखंड टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू, तो क्लाइमेटिक वेरिएशन जो होता है उत्तराखंड में मेनली किस कारण होता है, तो एल्टीट्यूडनल जो रेंज होता है उसके डिफरेंसेस की वजह से क्लाइमेटिक वेरिएशंस होता है। आप देखेंगे कि देहरादून, ठीक है, ये है देहरादून और ये है मसूरी, कितना 35 किलोमीटर का डिफरेंस है देहरादून और मसूरी में। देहरादून में आपका टेम्परेचर बिल्कुल हाई जैसे प्लेन्स की तरह रहता है, वहीं मसूरी में आपका टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। तो क्या है, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन की वजह से उत्तराखंड में ड्यूरिनल टेम्परेचर या ड्यूरिनल नहीं क्लाइमेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है। यहीं पे पूरा आपको धुआं धुआं दिखेगा, पूरा बादल छाए हुए दिखेंगे, यहाँ एकदम साफ मौसम रहेगा। विंटर रेन्स इन उत्तराखंड आर रेयर कॉज्ड बाई, तो विंटर रेन जो बरसात में बारिश होती है वो किस वजह से होती है, तो इसको या तो नॉर्थ वेस्टर्ली जो है जेट स्ट्रीम कह लीजिए या तो साइक्लोन कह लीजिए, ठीक है, जो भी कहना है कह लीजिए। तो ये पूरा उत्तराखंड में ही नहीं, ये आपका पूरा इंडिया है, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे जो ये मेडिटेरियन सी से जो नॉर्थ वेस्टर्ली चलती है, इसकी वजह से ये एक स्ट्रीम इधर चली जाती है, एक स्ट्रीम इधर, तो ये विंटर्स में बारिश होती है, तो इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी हाथ रीजन, डीडी हाथ रीजन इज नोन एज, तो इसको सिरा बोलते हैं। सिरा जो है एंशेंट जो है वो राज्य था, याद रखिए कि सिरा डोटी ये सब आपने सुना होगा हिस्ट्री में, ये डोटी था सिरा था। तो सिरा कहाँ पड़ता है ये बताइए, सिरा डिस्ट्रिक्ट भी प्रपोज था, बना नहीं है, ठीक है, वो आपको पिछली वीडियो में हमने बताया है कि कौन कौन सा, जैसे कोटद्वार हो गया, सिरा हो गया, इनको डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई थी, रानीखेत को, ठीक है, लेकिन अभी बना नहीं है, ठीक है, ये कब बनेगा वो पता नहीं। तो सिरा कहाँ पड़ता है ये बताइए, ठीक है। तो दीदी हाथ वाला रीजन पुराने समय में सिरा के नाम से जाना जाता था। पिथौरागढ़ वैली इज ऑल्सो कॉल्ड, तो सोर वैली, तो सोर सूरमा वैली, बहुत सी वैलीज हैं, सोर वैली है नहीं लेकिन पिथौरागढ़ में सोर वैली पड़ती है, बस ये ध्यान दीजिएगा। यमुना वैली इन उत्तरकाशी इज कॉल्ड, तो रवाई कहते हैं, रवाई कांड आपको ध्यान होगा वो बताइए, ठीक है। टोंस वैली इन उत्तरकाशी इज कॉल्ड, तो बंगन बंगन रीजन कहते हैं, टोंस वाली जो वैली होती है कहाँ पे, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, तो टोंस और ये यमुना दोनों कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। डीपेस्ट लेक ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की सबसे गहरी लेक कौन सी है, तो नौकुचिया ताल है, ये नैनीताल में पड़ता है, नैनीताल में, नैनीताल में सात जो है लेक्स हैं, सब कौन कौन से हैं, तो नैनी लेक है, नौकुचिया ताल है, खुरपा ताल है, सात ताल है, भीम ताल है, भीम ताल सबसे बड़ा ताल है, भीम ताल जो है उत्तराखंड का सबसे बिगेस्ट लेक है, वहीं नौकुचिया ताल जो है सबसे डीपेस्ट लेक है, ठीक है। अगर गढ़वाल की बात कर लिया, कुमायूं की बात कर लिया, तो गढ़वाल वाले रीजन में दूसरा है, लेकिन ये नौकुचिया ताल दोनों को मिला के भी पूरे उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डीपेस्ट लेक ऑफ उत्तराखंड है, आप लेक्स ऑफ उत्तराखंड की एक वीडियो हमारी पड़ी हुई है, उस पर जाके देख सकते हैं, कंप्लीट कवरेज है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिरही गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से निकलती है, तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये कमेंट में बताइए। नंदाकिनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो त्रिशूल माउंटेन से ओरिजिनेट होती है नंदाकिनी रिवर। तो नंदाकिनी रिवर जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, अलकनंदा की, मिलके क्या बनाती है, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है, याद रखिएगा। नंदयाकिनी की और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है, नंद प्रयाग बनता है, ठीक है। वहीं अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से क्या बनता है, वो बनता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, ये आ रही है अलकनंदा शतपथ ग्लेशियर से निकल के, ठीक है। और इसके बाद जो है पिंडर रिवर मिलती है, तो क्या बनता है, कर्ण प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग। इधर से आती है मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी जो है केदारनाथ या चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, इधर आके ये भागीरथी से मिल जाती है, भागीरथी में भिलांगना मिलती है, भिलांगना, भिलांगना किसकी ट्रिब्यूटरी है, भागीरथी की, ये याद रखिएगा, ये पूरा आपका रिवर सिस्टम है। अलकनंदा एंड सरस्वती कहाँ से निकलती है, तो देवताल से निकलती है, देवताल या सतोत्पत लेक लिख दिया, सतोत्पत ग्लेशियर तो भी सही है, ठीक है, ठीक है। सरस्वती का हमेशा देवताल देगा, लेकिन अलकनंदा का सतोत्पत ग्लेशियर रिफर करते हैं, दोनों बेसिकली देवताल और सतोत्पत ग्लेशियर आस पास में है, सतोत्पत ताल देवताल आस ही पास में है, तो देवताल दिया या सतोत्पत ताल दिया, तो दोनों सही है, कोई भी मार्क करेंगे। बाल गंगा और धरण गंगा ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो भिलांगना की है, और भिलांगना किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो भगीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। भगीरथी कहाँ से निकलती है, भगीरथी गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। विच लेक ऑफ उत्तराखंड इज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग लेड वाटर बैकेज ब्लॉकेज, तो फॉल्टिंग आपको पता है ना, ये जो जो माउंटेन्स का फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग होता है, जिससे एंटी क्लाइंस इंक्लाइंस बनते हैं, तो माउंटेन फॉर्म होता है बेसिकली प्लेट्स के मूवमेंट से,
ठीक है, तो उसके जो है फटने से मूवमेंट से एक जो है लेक बनी है, ठीक है, इससे वाटर निकलता है, तो वो ये खुरपा ताल है, खुरपा ताल, ठीक है। खुरपा ताल कहाँ पड़ता है? खुरपा ताल पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली ये जानवरों की खुर के आकार का है ये, तो इस वजह से जो इसको खुरपा ताल कहते हैं। जाह्नवी किसकी ट्रिब्यूटरी है? जाह्नवी रिवर, तो भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। भागीरथी रिवर उत्तरकाशी से निकलती है, अभी बताया गया। और खरड़ी वाटरफॉल कहाँ पे है? तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खरड़ी वाटरफॉल, ठीक है। विच लेक ऑल्सो बींग अ फेमस सिख पिलग्रिमेज साइट इज सराउंडेड बाई 7 स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो ऐसी कौन सी लेक है जो एक सिख जो है पिलग्रिमेज साइट या धार्मिक स्थल है सिखों का, और 7 माउंटेन से सराउंडेड है, स्नो कवर्ड माउंटेन से? तो ये है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जो है हेमकुंड लेक है उसको हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, इसी के किनारे है, और वन ऑफ द हाइएस्ट गुरुद्वारा है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हाइएस्ट गुरुद्वारा ऑफ द वर्ल्ड है हेमकुंड साहिब, कहाँ पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहीं पे हेमकुंड साहिब के बगल में ही एक लक्ष्मण टेम्पल है, ये भी याद रखिएगा, लक्ष्मण टेम्पल है इस लेक के बगल में ही। तो दोनों हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लक्ष्मण टेम्पल हेमकुंड लेक के बगल में पड़ते हैं, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कौन कौन सी लेक्स हैं चमोली में? तो इम्पॉर्टेंट तो रूपकुंड है, जिसको रूपकुंड, जिसको स्केलेटन लेक या कंकाल वाली झील कहते हैं, या मिस्ट्री लेक या रहस्यमयी ताल कहते हैं, होम कुंड है और हेम कुंड है, याद रखिएगा, और भी हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चमोली में ही पड़ता है आपका सतोत्पत ताल, या सतोत्पत ग्लेशियर से निकलता है सतोत्पत ताल, ठीक, तो जहाँ से अलकनंदा निकलती है। तो हमने क्या देख लिया यहाँ तक? हेमकुंड देख लिया। विच लेक ऑल्सो कॉल्ड गांधी सरोवर, तो गांधी सरोवर किस लेक को कहते हैं? तो चोरावारी लेक आपको पता होगा, जिसमें 2013 में बहुत बड़ी तबाही आई थी, तो यहाँ पे गांधी जी की कुछ अस्थियां विसर्जित की गई थी, गांधी जी की कुछ अस्थियां, टोटल नहीं, तो इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं, गांधी सरोवर, किसको? चोराबारी लेक को, ठीक है। कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक, कौन से उसके? केदारनाथ मंदिर के, केदारनाथ मंदिर के, केदारनाथ मंदिर पंच प्रयागों में से एक है। तुंगनाथ जो है पंच प्रयागों में सबसे बड़ा है, सबसे हाईएस्ट उस पे है, सबसे ज्यादा हाइट पे कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ये भी पड़ता है, ठीक है। तो पंच केदार आप एक बार देख लेंगे, पंच केदार में मध्यमेश्वर है, केदारनाथ है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, और देख लीजिएगा आप, ठीक है। हमने देख लिया कि ये जो है गांधी सरोवर किसको और किसका दूसरा नाम है, तो चोराबारी लेक का है। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, 2013 में यहीं पे भीषण बाढ़ आई थी। आपने केदारनाथ मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। नैनीताल इज ऑल्सो नोन एज ऋषि सरोवर, नैनीताल को और क्या कहते हैं? ऋषि सरोवर, या नैनीताल को लेक सिटी लेक्स ऑफ इंडिया कहते हैं, लेक सिटी लेक है ना। विच सॉयल आर स्टोनी एंड एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, स्टोनी होती है, लोकेटेड इन द एजेस ऑफ द फॉरेस्ट, तो जंगलों के किनारे वाले रीजन में रहती है, एंड आर वेरी इमेच्योर, तो इसको कातिल सॉयल बोलते हैं। तो सॉयल की जो एंशियंट सॉयल्स के नाम हैं, जैसे उपराव हो गया, तलाव हो गया, कातिल हो गए, ये आप जो है हमारा जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, जिसमें 4 टेस्ट दिए हुए हैं, उसमें जाके देख सकते हैं, डिटेल में समझाया गया है, ठीक है, डिटेल में समझाया गया, तराव उपराव सारी चीज़ें ढंग से। तो ये कातिल सॉयल जो है ये जंगल के किनारों में पाई जाती हैं, ठीक है, नॉन फर्टाइल होती हैं, ठीक है, और जो है खेती के लायक नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराव सॉयल आर फाउंड इन द हिल साइड, तो हिल साइड तलाव सॉयल आर फाउंड ऑन वैली फ्लोर्स, और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉयल होती हैं, ठीक है, फर्टाइल सॉयल होती हैं, ये याद रखिएगा। शिवालिक रीजन ऑफ द स्टेट इज बैडली अफेक्टेड ड्यू टू गिली इरोजन, होता है गुली इरोजन, गुली इरोजन आप देखे होंगे जब आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो आपका जो चंबल वाला रीजन है वो गुली इरोजन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, सबसे ज़्यादा गुलीज आपको वहीं मिलेंगे। तो जो शिवालिक रीजन है वो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत गुली इरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे मिट्टी में से पानी निकल रहा है, ऐसे बड़े बड़े गिलीज बन जाएंगे बड़े बड़े, ठीक है, यहाँ से जो है मिट्टी का वो आकृति बनेगा, आप देख लेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। विच सॉयल देहरादून में आपको देखने को मिल जाएगा, ये नीचे वाले, विच सॉयल आर फाउंड इन भीमताल, ठीक है, रीजन ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, आर लाइट एंड इनफर्टाइल, आर फॉर्म्ड बाई वेदरिंग ऑफ सेल, तो सेल के वेदरिंग से, ठीक है, क्वार्ट के सिस्ट के रॉक के वेदरिंग से जो मिलता है, मतलब वेदरिंग क्या होती है, जो हवा पानी या उससे जो है उनका कटाव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्ट्स टाइप सॉयल मिलती है, कहाँ पे? भीमताल वाले रीजन में, ठीक है। फुट हिल्स एंड तराई सॉयल आर पुअर इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फॉस्फेट, तो जो फुट हिल की सॉयल होती है, तराई वाली सॉयल, उसमें फॉस्फेट की कमी होती है, ठीक है,
प्लांट न्यूट्रिएंट और फॉस्फेट की कमी होती है, ठीक है, ध्यान रखिए फुटहिल से। हिमालयन सॉइल्स आर रेडिश इन कलर, डेफिशियंट इन लाइम, ह्यूमस एंड फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट, ठीक है। प्लेसर गोल्ड ऑकर्स इन रिवर्स एंड ऑफ, तो प्लेसर गोल्ड छोटे छोटे कण होते हैं गोल्ड के बेसिकली, है ना, बहुत छोटे 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 छोटे। तो कौन कौन सी नदियों में देखने को मिलते हैं, शारदा में मिलते हैं, रामगंगा में मिलते हैं, पिंडर में और अलकनंदा में, बेसिकली इधर वाली रिवर में जो ही इसके इधर है, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। मेन ऑकरेंस ऑफ एबेस्टॉस, तो सबसे ज्यादा एबेस्टॉस कहाँ मिलता है, एबेस्टॉस चमकीले कलर के पत्थर के प्लेसर्स की तरह ये भी होते हैं, जैसे गोल्ड के प्लेसर्स होते हैं वैसे ये भी प्लेसर्स ही होते हैं। तो कहाँ, जो ऊकीमत वाला एरिया जो है और कंधेरा वाला रीजन है गढ़वाल में, यहाँ पे मिलता है। ऊकीमत क्यों फेमस है, मानसा से रिलेटेड है, ठीक है, ये कमेंट में बताइए। ऊकीमत तो मानसा जो है तिब्बत से कोई जो है मूर्ति लाया था, यहाँ पे उसने स्थापित किया था, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। मानसा, मानसा वही है जिसके कोर्ट में कौन थे, भरत कवि, जिन्होंने मानोदय काव्य लिखा है, मानोदय काव्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऊकीमत, तो एबेस्टॉस सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो ऊकीमठ और कंधेरा रीजन ऑफ गढ़वाल। मेन ऑकरेंस ऑफ सल्फर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है इन द स्टेट, तो नियर सुतुल विलेज इन ईस्ट ऑफ नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग है कहाँ पे, ये बताइए, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो इससे तो आपको पता चल जाएगा। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रॉक फॉस्फेट कहाँ पे उत्तराखंड में, तो दुर्मला में मिलता है रॉक फॉस्फेट का लार्जेस्ट डिपॉजिट। अभी हम मिनरल प्रॉपर्टीज ऑफ उत्तराखंड देखेंगे तो कंफ्यूज मत होइए, आपको एरिया पता चल जाएगा, ठीक है, बस ये याद रखिए। मेन कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ उत्तराखंड इज अल्मोरा और पिथौरागढ़, हेमेटाइट एंड मैग्नेसाइट, ये दोनों जो है ये आपको आयरन में मिलते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेसाइट, ठीक है, आर फाउंड इन द कालढुंगी और रामगढ़ इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो कालढुंगी ग्लेशियर भी है कहाँ पे, वो बताइए। चमोली है द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैग्नेसाइट, ठीक है, चमोली के में सबसे ज़्यादा मैग्नेसाइट मिलता है, ठीक है। विच मिनरल अकाउंट्स फॉर अराउंड 53% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट, तो उत्तराखंड में जितना मिनरल पैदा किया जाता है उसका 50% से ज़्यादा सिर्फ मैग्नेसाइट होता है। मैग्नेसाइट लौह अयस्क है, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेसाइट, ठीक है। विच सिटी ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड फॉरेस्ट सिटी, तो देहरादून को फॉरेस्ट सिटी कहते हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है, पिथौरागढ़ में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जाइए, डियर सेंचुरी भी बोलते हैं कभी कभी। हु इज ऑल्सो नोन एज अ वृक्ष मानव ऑफ उत्तराखंड, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव ऑफ उत्तराखंड कहते हैं। दुधातोली लोक विकास संस्थान, दुधातोली माउंटेन रेंज आपको याद है, तो कौन कौन सी, रामगंगा और नायर रिवर निकलती हैं, तो दुधातोली लोक विकास संस्थान सेटअप बाय किसने सेटअप किया था, तो सच्चिदानंद भारती ने दुधातोली लोक विकास संस्थान सेटअप किया था, कब किया था ये कमेंट में बताइए। मोस्ता द हैंडीक्राफ्ट आइटम इज मेड अप ऑफ, तो रिंगल से बनता है मोस्ता, मोस्ता बेसिकली हैंडीक्राफ्ट होता है, बेसिकली ये रिंगल क्या होता है, तो रिंगल जो है ये जो बैम्बू होता है या बांस से बनाई हुई टोकरियाँ वगैरह, तो उसमें मोस्ता भी एक हैंडीक्राफ्ट है, जैसे टोकरी वगैरह बनाते हैं उसी तरह से। और रिंगल को इस बार 2021 सितंबर में जीआई टैग मिला है, ठीक है, जीआई टैग ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से चीज़ों को जीआई टैग उत्तराखंड के मिला है, तो 7 जीआई टैग मिले हैं इस बार, एक पहले से था। टोटल 8 प्रोडक्ट्स को उत्तराखंड के जीआई टैग मिला है, सबसे पहले जो है एक तेजपत्ता को मिला था 2016 में, ठीक है, और इस बार 7 को मिला है, वो कौन कौन सा है आप कमेंट में बताइए, हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। गढ़रत्न सम्मान इज एसोसिएटेड विद फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, तो गढ़रत्न सम्मान इन्वायरमेंट या पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क, तो वैली ऑफ फ्लावर जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है उत्तराखंड को, इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया, 1982। कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बगल में कौन सा नेशनल पार्क है चमोली में, तो नंदा देवी नेशनल पार्क, दोनों मिलकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। विच नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड एक्सटेंड्स इन 3 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट, तो राजाजी नेशनल पार्क जिसकी सीमा 3 जिलों में फैली हुई है, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल, ठीक है। वेन वॉज रक्षा सूत्र मूवमेंट स्टार्टेड, तो 1994 में रक्षा सूत्र मूवमेंट रिलेटेड किससे है, ये कॉमेंट में बताइए, ठीक है। हर्बल गार्डन वॉज इस्टेब्लिश एट, तो मुनि की रेती ऋषिकेश में हर्बल गार्डन इस्टेब्लिश किया गया है। मुनि की रेती और क्यों फेमस है ये बताएं, ठीक है। चलिए अब मिनरल्स प्रॉपर्टीज ऑफ उत्तराखंड हम थोड़ा सा देखेंगे, तो 1900 में माइनिंग डिपार्टमेंट छोटा सा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1900 में पहली बार माइनिंग उत्तराखंड में हुई थी, वो भी कॉपर की, बहुत लो स्केल पे या लोअर स्केल पे, ठीक है। 1920-30 में प्रोटेस्ट की वजह से थोड़ा इसमें कमी आई थी, फिर जो है इसका जो सही फॉर्मेशन हुआ है 2000 स्टेट बनने के बाद में, ठीक है, 2 रीजनल यूनिट्स खोली गई माइनिंग के लिए डिपार्टमेंट के अंदर, एक तो हल्द्वानी नैनीताल में, दूसरा देहरादून में, बाद में ये देहरादून को जो है प्रॉपर जो है डिपार्टमेंट बना दिया गया है
निदेशालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ उत्तराखंड आर लाइम स्टोन, मैग्नेसाइट, तो ये 50% से ज्यादा सिर्फ मैग्नेसाइट मिलता है उत्तराखंड में, सोप स्टोन, फॉस्फोराइट, बायराइट, सिलिका सैंड, ग्रेफाइट, स्लेट, मार्बल और जिप्सम, ये मिनरल्स उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडिया जो ईयर बुक नहीं, इंडिया मिनरल बुक है, मिनरल बुक 2019, ठीक है, हाई क्वालिटी लाइम स्टोन आर फाउंड इन, तो लाइम स्टोन हाई क्वालिटी का अल्मोड़ा में मिलता है, ठीक है, देहरादून में मिलता है, बागेश्वर में मिलता है, नैनीताल में, पौरी, टेहरी और पिथौरागढ़ में। मैग्नेसाइट स्टेटाइट कहाँ मिलता है, तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में। टंगस्टन सिर्फ अल्मोड़ा में मिलता है, ये याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एबेस्टॉस सबसे ज़्यादा चमोली में मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बायराइट और मार्बल्स देहरादून से मिलते हैं, कॉपर कहाँ से, अल्मोड़ा, देहरादून और पिथौरागढ़ से, वहीं डोलोमाइट देहरादून, नैनीताल और टेहरी से। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और खासकर वो वाली जगह है जैसे टंगस्टन सिर्फ अल्मोड़ा से मिल रहा है, एबेस्टॉस सबसे ज़्यादा चमोली में मिल रहा है, तो ये वाले मिनरल्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फैक्ट जो है, 50% से ज़्यादा जो है टोटल जो है माइनिंग किसकी जो है मैग्नेसाइट की जाती है, ये वाले फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वहीं ग्रेफाइट भी सिर्फ अल्मोड़ा से ही मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिप्सम कहाँ से मिलता है, तो देहरादून और पौरी और टहरी गढ़वाल से। लीड, जिंक और सिल्वर, तो सिल्वर का बात आ गया, तो देहरादून और पिथौरागढ़, ये याद रखिएगा। सिल्वर कहाँ से, लीड, जिंक और सिल्वर, तो देहरादून और पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा। रॉक फॉस्फेट देहरादून और टहरी गढ़वाल। वहीं बेस मिनरल, ठीक है, जो भी है नाम याद रखिएगा, तो बेस मिनरल फाउंड इन कुंड बामसू एरिया ऑफ रुद्रप्रयाग, वो भी काफ़ी कम एरिया में पाया गया है, और एक ही जगह है उत्तराखंड में जहाँ से ये मिला है बेस मेटल, कुंड बामसू एरिया ऑफ रुद्रप्रयाग। सीमेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है उत्तराखंड में, तो केसीपी लिमिटेड है जो कि हरिद्वार में है, अंबुजा सीमेंट रुड़की हरिद्वार में पड़ता है, और श्री सीमेंट की जो इंडस्ट्री है वो भी रुड़की हरिद्वार में पड़ती है। तीन जो है मेन सीमेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उत्तराखंड में, तीनों की तीनों हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, ठीक है। दो बेसिकली रुड़की में पड़ती है और एक मेन हरिद्वार में पड़ती है, ठीक है। एब्रेसिव्स कहाँ मिलते हैं, एब्रेसिव्स, तो एब्रेसिव बेसिकली वो होते हैं मिनरल्स के ही बने होते हैं, मैग्नेसाइट की ज्यादातर होते हैं, जिनसे रगड़ के मूर्छा वगैरह छुड़ाया जाता है या उस तरह की चीज़ें उसमें यूज होती हैं। तो ये जो है तिरुपति माइक्रोन्स जो है भगवंतपुर काशीपुर उत्तर उधम सिंह नगर में, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड मतेला बागेश्वर में, दो जगह है। वहीं लीड कहाँ मिलता है, तो हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ऋषिकेश में लीड की फैक्ट्री है, ठीक है। अब एक बार हम थोड़ा सा एक मैप ने लगा रखा है, मिनरल्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है, तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप टंगस्टन देखेंगे, तो टंगस्टन सिर्फ कहाँ मिल रहा है, अल्मोड़ा में, और ग्रेफाइट का भी सिर्फ अल्मोड़ा में दिखाया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टंगस्टन और ग्रेफाइट, ठीक है। उसके बाद हम मैग्नेसाइट वाला एरिया देखेंगे, मैग्नेसाइट कहाँ सबसे ज़्यादा हमको चमोली में देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत अल्मोड़ा बागेश्वर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया जो है आपका चमोली वाला है, ठीक है, चमोली, ठीक है। वहीं जिप्सम और लौह अयस्क दिया है, तो लौह अयस्क भी चमोली में, तो मैग्नेसाइट भी लौह अयस्क भी है, लौह अयस्क ये मैग्नेटाइट, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए आप, एक इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको एक बार मिनरल की प्रोफाइल पता चल जाएगी। तो ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।